जहानाबाद के लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा को जहानाबाद में व्यापक समर्थन मिला। जहानाबाद की सीमा सेवनान के पास सैकड़ों मोटरसाइकिल एवं घुड़सवारों ने आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद कोड़ना कनौदी में भी भव्य स्वागत हुआ। काको मोड़ पर दर्जनों घोड़ों के साथ इनका स्वागत किया गया। स्वागत में दर्जनों तोरण द्वार एवं पोस्टर बैनर से जहानाबाद भरा हुआ दिखाई दिया। मानो ऐसा लग रहा था कि जहानाबाद शहर रोड पर उमड़ पड़ा है। इधर से लौटने के क्रम में अरवल मोड़ पर महिलाओं की बड़ी संख्या ने उनका भव्य स्वागत किया तथा डॉक्टर इंदु कश्यप के द्वारा चांदी का मुकुट पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि मुझे वीर शहीद की जन्मभूमि को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मौके पर लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे, प्रधान महासचिव संजय पासवान, पूर्व प्रधान सचिव शाहनवाज कैफी, पूर्व एमएलसी विनोद सिंह, प्रदेश प्रवक्ता अशरफ अंसारी, राजेश भट्ट, छात्र लोजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजीव सरदार आदि मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर कैंडिडेट लोगों से इंटरेक्ट करें और पूछें उनसे कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ, क्या यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत खूबसूरत हो गई। भैया जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद अपने कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट लेकर दिल्ली जाना पड़ता है, तो सोचिए उस प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा कैसी होगी। क्या मुख्यमंत्री ने अपनी विकास गाथा में एक ऐसा अस्पताल नहीं खोला, एक ऐसा डॉक्टर प्रदेश को नहीं दिया कि उनके कैटरैक्ट को ऑपरेशन करते। तो अगर किसी और बुजुर्ग दंपति को यहाँ से गांव से अगर जाना हो तो कौन देगा उनको 1000 किलोमीटर के लिए चार्टर फ्लाइट। ये तमाम विषय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने चाहिए और जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान का ये आंदोलन और नीतीश कुमार जी की नीतियों का विरोध इसी तरीके से चलता रहेगा। शराबबंदी की बात करते हैं, भैया कौन नहीं जानता कि आज की तारीख में गांव वगैरह तो भूल जाइए, घर पे होम डिलीवरी होती है भैया शराब की, कौन नहीं जानता। सब जानते हैं सिवाय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के। अब या तो वो जानते नहीं है या वो जानना नहीं चाहते। भैया अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसको उठाना नामुमकिन है ना। कोई सोया हुआ व्यक्ति हो तो आप हिला के उसको उठा भी दें, अरे देखो देखो भूकंप आया। पर अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसको कोई कैसे उठाएगा। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे शासन प्रशासन अपना तमाम तंत्र का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, शराबबंदी के कानून में विफलता को अंजाम दे रहा है और यहाँ पे जिस तरीके से 7 निश्चय में भ्रष्टाचार घोटाला हो रहा है, ये तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री की नाक के नीचे। मुझे लगता है नल जल योजना हो, गली नली की योजना हो, 7 निश्चय बिहार के इतिहास में आने वाले समय में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक होगा। पर ताज्जुब की बात है ये तमाम बातें एक आम बिहारी जानता है, एक ऐसा बिहारी जो कि किसी गांव में रह रहा होगा, जिसको दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं, वो भी बताएगा कि हाँ 7 निश्चय में भ्रष्टाचार है, बिना घूस लिए कोई काम नहीं हो रहा, शराबबंदी कानून विफल है। एक आम बिहारी ये जानता है पर मुख्यमंत्री जो अपने हवा महल में बैठे हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है। इसीलिए उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी सड़क मार्ग से निकले और देखें बाढ़ में हालात, देखिए हम लोग हाईवे पे एनएच में देखिए किस तरीके से बाढ़ से प्रभावित जो विस्थापित हैं वो कैसे एनएच में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, ना रहने के लिए घर, ना खाने के लिए खाना, ना शौचालय की व्यवस्था। और ये हर साल का दृश्य है। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ज्योतिष का मैं जानकार नहीं हूँ, पर मैं आज ये भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि अगले साल ठीक इसी समय वापस से बिहार की बाढ़ की वजह से यही परिस्थिति होगी। भाई साल दर साल हम लोग ये तस्वीरें देख रहे हैं, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है। हर साल तटबंध बनाने के लिए राज्य सरकार की राशि खर्च होती है, ऐसा कैसा तटबंध बनता है कि भैया अगली बरसात आने से पहले टूट जाता है। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है भ्रष्टाचार, बताएं ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो ये तमाम विषय चिराग पासवान नहीं बिहार की जनता उठा रही है और ये हम लोग तब तक उठाते रहेंगे धरती में जिस तरीके से घोटाला हो रहा है। छात्रों की बात आप कर लें, भाई कितनी समस्या है हमारे प्रदेश में, रिजल्ट जो 3 साल में आना चाहिए 4-5 साल तक नहीं आता। तो ये तमाम बातें लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम हमारे साथी पदाधिकारी, तमाम हमारे पूर्व प्रत्याशी, तमाम हमारे जिला अध्यक्ष संगठन के साथियों के माध्यम से निरंतरता में इसको हम लोग उठाते रहेंगे